हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और अब ये सुबह का टाइम है और ये ब्लॉग, जैसे आप लोगों को पता है, मेरा ब्लॉग बहुत लेट लेट आप लोग के पास जा रहा है। तो ये ब्लॉग जो है 2 जनवरी की है। तो 31 दिसंबर की रात को मैं रांची से अपने मायके आई हूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं अपने मायके में हूँ। 1 जनवरी का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, कल का ब्लॉग। अगर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। और मैंने अभी जो मर रही है, कल मैंने जो ब्लॉग डाला था 1 जनवरी का वो ब्लॉग, और आज है 2 जनवरी। ये भी ब्लॉग बहुत लेट जा रहा है क्योंकि यार बहुत लेट हो चुका है इस ब्लॉग को डालते डालते। तो सुबह मैं छत पर गई थी, कुहासा वगैरह बहुत हो गए थे, तो वही मैं थोड़ा सा गई थी घूमने के लिए। और अभी ना घूमने वाले छत पर ही ब्रश करते करते और मैं बहुत लेट उठी हूँ, बहुत लेट, कम से कम 9 साढ़े 9 बज गए थे। तो तभी मैं उठी थी और ब्रश किया और अभी चाय पीकर मैं आ गई हूँ ये ब्लैंकेट वगैरह समेटने के लिए, क्योंकि सभी काम कर रहे हैं और घर में बेटी दामाद आए तो घर में इस मायके में तो काम जाता है, बढ़ ही जाता है, आप समझ सकते हो। तो और मेरी माँ के आँखों का भी ऑपरेशन हुआ है, तो भाभी और मेरी छोटी बहन लगी हुई है सारे काम को करने में। वैसे मैं कभी भी आती हूँ मायके, मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता है सच बोलूँ तो, क्योंकि माँ ही मेरी बहुत एक्सपर्ट है काम करने में और भाभी भी अभी आ गई हैं, अभी छोटी बहन भी है, इसलिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है। तो छोटे मोटे जो काम है, ब्लैंकेट वगैरह समेटना, मैं सो रही थी उस रूम में, तो मैं ये सब कर देती हूँ। मुझे लगता है मैं कम से कम अपने पर्सनल काम सब कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे घर के काम तो मुझे बिल्कुल नहीं करना पड़ता है मायके में, क्योंकि भाभी भी है और छोटी बहन भी है, वो लोग ही कर लेती हैं। और मेरी माँ अगर ठीक है तो और भी, और फिलहाल अभी ऑपरेशन हुआ है इसलिए वो थोड़ा सा काम बढ़ा है, नहीं तो नहीं मेरे घर में काम, मतलब मायके में मुझे सच में कुछ नहीं करना पड़ता है। तो बस यहाँ देख सकते हो मैं छत पर आ गई हूँ और यहाँ बन रहा है चिकन। चिकन बन नहीं रहा है, अभी बन चुका है। और यहाँ पर सब कोई, मतलब मैं तो अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे चखने वाला काम चल रहा है, देख सकते हो। और मेरी छोटी बहन, सबको थोड़ा थोड़ा सा दे रही है, मतलब कि आप लोग टेस्ट करो। और उसके बाद यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ, मतलब ये लगभग शाम का टाइम है क्या। और ये डायरेक्ट वीडियो 3 जनवरी की है, 2 जनवरी के बाद डायरेक्ट मैंने, ये 3 जनवरी की वीडियो है। तो यहाँ पर शाम में थोड़ा सा, मतलब शाम भी नहीं बोल सकते, खाना पीना खाने के बाद ये टाइम था। तो थोड़ा सा हम लोग मार्केट जा रहे हैं, देख सकते हो आप लोग, हम लोग तीनों, भाभी, मैं और मेरी छोटी बहन और हस्बैंड। तो बस फिर मार्केट में मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया था, मतलब इस ब्लॉग में आपको 3-4 दिन का ब्लॉग मिलने वाला है। तो उसके बाद डायरेक्ट मैं अब ससुराल में मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो एवरीवन, फाइनली मैं अपने अब ससुराल आ चुकी हूँ। रूम देख के तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, मेरा ये बेडरूम। और बहुत दिनों के बाद डायरेक्ट आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ। तो अभी आए हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं, हाथ पैर धोकर अभी चाय पिया है, ठंड बहुत लग रही थी, आते ही पहले माँ ने चाय बना दिया था, चाय पिया। और अभी तक आप लोगों को ब्लॉग मिला ही नहीं होगा, ये ब्लॉग जब तक जाएगा। तो यहाँ से जाने का ब्लॉग मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है। आज है डेट 3 जनवरी, तो ये भी ब्लॉग बहुत ही लेट जाएगा। तो कल से कोशिश करूँगी मैं सारे ब्लॉग डालने के लिए, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं ब्लॉग एडिटिंग करूँ और फिर मैं डालूँ, क्योंकि बाहर गई थी, थोड़ा इन्जॉय भी करना चाहिए इन सबको, थोड़ा पीछे हटाकर सब समय अपने इग्नोर भी कुछ भी करना चाहिए। तो फाइनली अब मैं पहुंच ही चुकी हूँ और बस ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ, और जाने में जितनी एनर्जी होती है आने के बाद उतनी ही एनर्जी लॉस रहती है। इतना बड़ा बैग, और मैं दिखाती हूँ ये सब समेटना भी रहे है, अनपैक करना होगा, सबको रखना होगा। वैसे तो बहुत सारे कपड़े धुल चुके हैं, ये फ़ायदा हुआ मायके में आई थी तो अधिकतर कपड़े सब धुल चुके हैं, जितने हस्बैंड के थे, जीन्स वगैरह थे, सब कुछ धुल चुके हैं। तो उतना हेडेक है नहीं, नहीं भी धोऊंगी अभी कुछ दिन, तो मैं अभी कुछ नहीं करने वाली हूँ, ये सब ऐसे ही रहेंगे। तो बस अब फ्रेश होती हूँ और वीडियो का भी एंड मैं यहीं पर करूँगी, क्योंकि अभी अब ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ब्लॉग जमा हो रहे हैं, उन सबको मैं क्लियर करूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ चाय, सुबह की चाय। इधर दूध गर्म हो रही है और इधर चाय बन रही है, मेरी पहली चाय है, मम्मी पापा की तो पहली हो जाती है, वो लोग थोड़ा जल्दी उठते हैं तो माँ बना लेती हैं, फिर मैं उठती हूँ तो फिर सबके लिए मैं चाय बनाती हूँ।
तो अभी मैं 4 कप चाय बना रही हूँ हम चारों के लिए। तो और सॉल वगैरह मुझे लेना ना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ठंड इतनी बढ़ गई है कि ऑटोमेटिक लेना ही पड़ता है। सॉल वगैरह लेकर मुझसे या स्टॉल वगैरह लेकर ना मुझसे बिल्कुल काम नहीं होता है। तो सुबह उठते ही ब्रश वगैरह सब करके मैं आई हूँ चाय बनाने। तो सबसे पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद कुछ काम स्टार्ट होगा। और अभी आज हल्की हल्की धूप निकली है। तो अब हो चुकी है शाम, तो सुबह के बाद डायरेक्ट मैं शाम को ब्लॉग बना रही हूँ, मतलब वीडियो बना रही हूँ। और अभी भी मैं चाय बना रही हूँ। तो सुबह चाय बना मतलब उठी थी तो मैंने सोचा था मैं सारा दिन ब्लॉग बनाऊँगी, मतलब वीडियो बनाऊँगी, पर पता नहीं इतना मैंने बिजी गया तो फिर मैंने बनाया ही नहीं। तो अब डायरेक्ट शाम हो चुकी है और शाम को फिर से मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ और दूध यहाँ पर रेडी कर रही हूँ अबीर के लिए, उसे दूध हॉलिक्स दूँगी और हम सब जो है अभी चाय पियेंगे। तो चाय वगैरह सब हो चुका है और सुबह मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर शाम को एक किचन में आप लोगों ने देखा डायरेक्ट, क्योंकि सुबह से बिल्कुल बहुत बिजी थी मैं। जब लास्ट कब आई थी अपने मायके से 4 तारीख को, फिर उसके बाद आज ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया और उसके बाद सुबह चाय बनाया था, फिर उसके बाद डायरेक्ट शाम को ही मिली, फिर अब मिल रही हूँ चाय वगैरह पीने के बाद। तो ये 3-4 दिन बहुत मतलब 4 तारीख के यहाँ आई, 4 से आज डेट हो चुका है, आज है 6 जनवरी। हाँ 6 जनवरी, तो 2-3 दिन से बहुत बिजी हूँ, क्योंकि होता है बाहर अगर आप कहीं जाओ उसके बाद आओ, कम से कम 8-10 दिन हो गए थे मेरे आते आते, तो घर में कितना काम हो जाता है समझ सकते हो आप, बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था। इसी में लगी हुई थी, मोटर चल रहा है, मोटर चलने की आवाज़ आ रही होगी। और अभी मैं खाना बनाने की तैयारी में हूँ, कुकर में बार बार हवा निकल जा रहा है, सीटी नहीं पड़ रही है। आलू मैंने चढ़ाया है, आलू का पराठा बनेगा, और इधर सेवैया को सेवई जिसको फ्राई करके मैंने रखा है उसकी खीर बनेगी, मतलब सेवैया बनेगी। देखते हैं उसमें सीटी पड़ता है कि नहीं, हवा तो निकल रही है और इधर तो आवाज़ आ रहा है, मोटर की आवाज़ आ रही है। तो क्या बोल रही थी कि बहुत मतलब 2-3 दिन से बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था, साफ सफाई ये सब। तो अभी भी मैंने अपना बैग अनपैक नहीं किया, जैसे मैंने ट्रॉली लाई थी वैसे ही पड़ा हुआ है, और वही चादर वगैरह घर की साफ सफाई ये सब चल रहा था, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं मतलब, तो भी थोड़ा बहुत मैंने क्लीनिंग की है। और आज 6 है। तो फिर से हमारा कहीं जाने का प्लान है, इसलिए थोड़ा सा बिजी थी। तो कहाँ जाना है 1-2 दिन में पता चल जाएगा आपको, जब जाऊँगी तब तो फिर से ब्लॉग मिलेगा। घूमने का प्लान नहीं अभी रही अबीर बता रहा है, तो फिलहाल अभी मैंने पुराने ब्लॉग ही नहीं डाला है मैंने अभी तक, जो भी घूमने का ब्लॉग गई थी बाहर रांची गई थी वहीं का ब्लॉग मैं नहीं डाल पाई हूँ, तो धीरे धीरे ब्लॉग मैं डाल रही हूँ। तो जब तक ये ब्लॉग देखिएगा शायद 3-4 ब्लॉग आप लोग देख चुके होंगे रांची का ब्लॉग, तो ये ब्लॉग ही कब जाएगा मुझे नहीं पता। तो ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि आलू का पराठा बनेगा और साथ में बनेगी सेवैया मतलब सेवई की खीर, तो यहाँ पर आलू को मैंने अच्छे से मतलब छील कर अच्छे से मैश करके रख दिया है ठंडा होने के लिए, और इधर मैं बना रही हूँ सेवई वाली खीर, तो देख सकते हो। तो मेरे घर में ना कि पराठे के साथ सबको थोड़ा सा मीठा चाहिए ही, हस्बैंड को तो वो चाय मिल जाए, मुझे भी चाय मिल जाए तो मैं हो जाएगा, पर पापा को है जो थोड़ा सा कुछ मीठा चाहिए, खीर या इस टाइप का कुछ भी। तो बहुत दिन से सेवैयाँ नहीं बनी थी और दूध भी रखी हुई थी, तो मैंने उसकी बना दी है। और यहाँ पर देखिए आलू मटर देकर सब कुछ मैंने आलू का सब कुछ मतलब रेडी कर लिया, और यहाँ पर मैं पराठे सेक रही हूँ। तो ये अभी काफ़ी देर हो चुका है, मतलब खाने का टाइम हो चुका था, तो मैंने सब कुछ रेडी करके रख दिया था, आटा वगैरह सब कुछ गूंथ कर रख दिया था कि खाने के टाइम में गरम गरम बनाऊंगी और सबको गरम गरम दूंगी खाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं गर्मा गर्म पराठा सेक रही हूँ और अच्छी खासी फूली फूली बन रही है, और ये मैं थोड़ा सा इसको कुरकुरा टाइप का बना रही हूँ, ज़्यादा मतलब सेक रही हूँ, तो मेरे घर में सबको थोड़ा सा पराठा जो है अच्छा कुरकुरा ही पसंद है खाने, मतलब सेका हुआ पसंद है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले पापा के लिए लगा दिया है, सबसे पहले मैं उन्हीं को दे रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो आज डेट है 7 जनवरी
और पता नहीं ये ब्लॉग मेरा कैसा चल रहा है पता नहीं, क्योंकि कंटिन्यू मेरा ब्लॉग हो ही नहीं रहा है, ऐसे ही बहुत लेट लेट मेरा ब्लॉग जा रहा है। आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने पुराने ब्लॉग ही मैं अभी तक अपलोड नहीं कर पाई हूँ, तो रांची गई थी, अभी रांची वाला ही चल रहा है। आज 7 जनवरी है और अब तक मैंने मतलब पुराने ब्लॉग ही ख़त्म नहीं किया है, इसलिए चल रहा है, लेट ही चल रहा है। सारे ब्लॉग आप लोग को लेट लेट ही मिलेंगे। और यहाँ पर मैं अपने रूम की हालत दिखाती हूँ आप लोग को, ये देखिए, ये भी अभी फिर से मेरी पैकिंग स्टार्ट हो गई है, फिर से हम कहीं जाने वाले हैं, तो कहाँ जाने वाले हैं मैं आगे बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। मतलब कल ही हमें जाना है, मतलब 8 जनवरी को ही जाना है, और एक दिन का समझ लीजिए, 1-1.5 दिन का हमारा पिकनिक टूर है, पिकनिक ही समझ लिए, और कहीं घूमने भी जा रहे हैं, बस से इस बार जा रहे हैं, और जो ट्रेवल वाले बस होते हैं ना उन सब में जा रहे हैं। तो और मेरे साथ और भी कोई कोई जाने वाले हैं, तो वो कल के ब्लॉग में पता चलेगा, कल अगर ब्लॉग में बनाई, कल मेरे घर में बहुत कोई गेस्ट भी आने वाले हैं, गेस्ट तो नहीं बोल सकते, हमारे रिलेटिव है, मतलब मेरे ही कोई है, मायके से ही हैं, तो वो लोग भी आएंगे, उनके साथ हम लोग जाएंगे, तो इसलिए सब कपड़े निकाल कर रखा हुआ है, सिर्फ एक दिन के लिए, समझ सकते हो, एक दिन की पैकिंग है, मतलब इसमें से पहनने वाले भी हैं, एक दिन पहन के जाना है और एक दिन उधर रिटर्न से, इसलिए वो सब है। फ़िलहाल मेरा भी नहीं निकला है, ठंड है इसकी वजह से इतने सारे कपड़े हैं, तो वही है। तो फिर से आपको कहीं घूमने का ब्लॉग मिलेगा, और ये जनवरी, मेरा जनवरी का मंथ सख्त लगता है कि ये ब्लॉग में, पुराने ब्लॉग में, घूमने के ब्लॉग में ही आप लोग देख पाओगे, घूमने का ही ब्लॉग देख पाओगे। तो बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आई हूँ रांची से, तब से फुर्सत नहीं मिली, घर की भी थोड़ी साफ सफाई हुई, क्योंकि मायके से कोई आने वाला है और कोई भी आता है, थोड़ा साफ सफाई, मतलब मैंने उतना डीप क्लीनिंग नहीं किया, लेकिन थोड़ी बहुत, क्योंकि 10 दिन से ऊपर का पार्ट तो बिल्कुल ही बंद था, यूज़ नहीं होता था, नीचे का पार्ट माँ लोग रहती थी, तो उसका है। तो चलिए,